व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? सबसे पहले तो अपन समझते हैं व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। भाई हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जब किसी कंपाउंड को ही रिएक्टेड विद वाटर दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। अच्छा, दिस इज हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। Now the chlorides of this fifth group, all the chlorides, इनका अगर hydrolysis कराएं तो इनके extent क्या होंगे? Hydrolysis के extent क्या होंगे? पहले बताता हूँ कि किनमें complete hydrolysis हो जाता है, किनमें partial hydrolysis हो जाता है। सिर्फ अभी देखना, उसका explanation बाद में दूंगा। ये जो first three है ना, इनको अगर मैं water से react करूँ, इनमें complete hydrolysis होता है, और जो last two है इनमें partial होता है। ऐसा क्यों? Hydrolysis किन factors पे depend करता है? देखो यार, हाइड्रोलिसिस बेसिकली है कि जो वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल, उसमें जो ओ है, उसके पास जो लोन पेयर है, उसको कौन जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो वही उन लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा जिसके पास काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या जिसके पास काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। तो आप समझते हैं, ये जो एन है, पी है, एस है, इनके साइजेस ऐसे से बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो बड़ा हो गया, ठीक है। अब किसी सब पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस पे प्लस थ्री है तो सब पे प्लस थ्री है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इस पे ज्यादा होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इन सब का सरफेस एरिया ज्यादा है। इस पे पूरे में कम, बिल्कुल कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? जैसे डेंसिटी मतलब कोई एक एलिमेंट ले लूं तो इस पे चार्ज है, वो इन सब में से किस पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इस पे ज्यादा होगा। तो इसीलिए इन तीनों का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ और इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। चलो ये बात समझ में आई, अच्छी बात है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ और पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, भी धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अब हुआ क्या, कैसे हुआ, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, ठीक है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। जैसे ये था, ठीक है, दिस इज एनसीएल थ्री। भाई अच्छा, स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इनके एग्जाम्पल, इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सबके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पहले वो बता देता हूँ। तो एनसीएल थ्री प्लस एच टू गिव्स समथिंग, पीसीएल थ्री प्लस एच टू गिव्स Even this gives something. तो अब जो NCl3 है ना, वो पता है क्या देता है? अच्छा, ये सारे reactions room temperature पे हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने इनको high temperature नहीं दिया, अपने आप होते हैं। NCl3 का hydrolysis अपने आप हो रहा है, PCl3 का hydrolysis अपने आप हो रहा है। ध्यान से सोचो क्या होगा? इसको room temperature पे hydrolyze कराया है, तो पता है product क्या बनता है? NH3 plus HOCl. Typical. PCl3 को जब हाइड्रोलाइज कराया तो प्रोडक्ट बनता है H3PO3 plus HCl, ठीक है। अब डिफरेंस बताओ यार, ये क्वेश्चन आने वाला है, पता है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है, एक गट फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ऐसा क्या हुआ कि NH3 बना और इसमें ऐसा क्या हुआ कि H3PO3 बना? आओ समझते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं PCl3 का, PCl3 समझते हो ना, PCl3, ठीक है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं PCl3 का, P, ये अपना PCl3, इसमें P पे डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव जितना भी चार्ज है, यहां पे सारों में डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब जो H2O होगा ना, यहां आ जाएगा, अच्छी बात है, आ जाऊंगा, लेट इट कम, लेट इट कम। यहाँ पे जैसे H2 आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन एकदम से चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ, ये निकल जाएगा, ये जैसे ही निकला, इसका हाइब्रिडाइजेशन वापस से वैसा हो जाएगा जैसे पहले था, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अब निकल गया, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसा हो जाएगा प्लस HCl,
ठीक है, तो ऐसा दिस द होल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस इट विल अकर थ्री टाइम्स, तीन बार जैसी ये प्रोसेस होगी OH रिप्लेस हुआ एक बार, ये भी रिप्लेस हुआ एक बार प्लस 3HCl, तो ये जो अपना कंपाउंड बन गया दिस इज H3PO3, ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO3 है, दिस इज नोन एज कॉमन नेम इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो ये तो समझ में आता है भाई ये सब कैसे हुआ, तो यार ऐसे ही इसके साथ होना चाहिए था, NH3 के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, डिफरेंस क्या आया, NCl3 हटता OHOH लग जाते H3NO3 बन गया होता, लेकिन नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, पूरा प्रोसीजर मैं वैसे ही रिपीट करता हूं, आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस कहां आता है, दिख रहा है यहां एंड में, क्या बनना चाहिए यार, एक चीज समझो कि इस ओ ने उधर अटैक किया था जहां पे उसको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दिख रही थी, लेकिन एक बात सोचने वाली यह है कि N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, ये कभी सोचा, इसका मतलब N पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है इस बार और इस बार Cl पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इधर से ही डिफरेंस आया, ड्यू टू दिस फैक्ट यहां पे NH3 बना और ना कि H3NO3 बना, तो अब जो ये लोन पेयर है O पे वो N पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि N इज रिलेटिवली मोर नेगेटिव, वो अटैक करेंगे Cl पे, Cl पे अटैक किया बनेगा क्या पता है, ये बन गया डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल आके जुड़ा है तो चेंजेस तो आने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, तो होगा क्या पता ये, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आके, अच्छा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल था वो सेंट्रल मेटल एटम पे जाके अटैक नहीं किया, उसने Cl पे अटैक किया, दैट इज व्हाई हाइब्रिडाइजेशन रिमेंड कांस्टेंट, तो ये भी दोनों में डिफरेंस है कि उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ था, ट्राइगोनल बायपिरामिड बन गया था, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो अब ये ऐसे निकलते जाएगा, कैसे निकलेगा, वही जैसे निकला था पहले, ऐसे ये निकला और ये यहां पे आ गया, पता है क्या बना, NHCl HOCl, फिर से तीन बार रिपीट होगी सारी प्रोसेस, Cl हटा H लगा, Cl हटा H लगा, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ HOCl, ये प्रोसेस समझ गई, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी जो आपको समझ में आनी चाहिए, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ये तो मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा जो ग्रुप में जो सारे बाकी सारे एलिमेंट्स हैं विल कंसिडर देम नाउ, HCl3 प्लस H2 gives H3AsO3 प्लस HCl, यहां तक कंप्लीट हो गया अपना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे, जहां पे SbCl3 आ गया था, SbCl3 एंड BaCl3, इनको जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम है, तो क्या बनता है, SbOCl BiOCl, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, एंटीमोनाइल क्लोराइड एंड बिस्मथाइल क्लोराइड, एंटीमोनाइल क्लोराइड एंड बिस्मथाइल क्लोराइड प्लस HCl, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना भाई, पांचों के आपको प्रोडक्ट ध्यान होने चाहिए, पहले का प्रोडक्ट था NH3, दूसरे का प्रोडक्ट था H3PO3, तीसरे का प्रोडक्ट था H3SO3, चौथे का प्रोडक्ट था SbOCl, पांचवे का प्रोडक्ट था BiOCl, ठीक है, ये समझ में आ गया, चलिए हाइड्रोलिसिस यहां तक अपना कंप्लीट हो गया, अब मैं समझाता हूं, अब आपकी ये जो कंडीशन है वो काफी स्टेबल हो चुकी है, आप लोग अब समझ सकते हैं कि जो CCl4 था और जो SaCl4 था
उसमें से हाइड्रोलिसिस इसका हुआ इसका नहीं हुआ, क्यों ऐसा क्यों? देयर हैज टू बी रीजन. अभी मैंने रीजन इतने सारे समझाए, इसके लिए भी रीजन होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ. सबसे पहले सोचोगे कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस जो सराउंडिंग एटम्स हैं दे नॉट डिफरेंट, लेकिन डिफरेंस आता है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम इज डिफरेंट. अच्छा तो आप ये सोचोगे यार कार्बन और सिलिकॉन में वो बेसिक डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से SiCl4 में तो हाइड्रोलिसिस हो गया लेकिन CCl4 में नहीं हुआ. तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है डी ऑर्बिटल्स. हाँ SiCl में डी ऑर्बिटल्स है. जब वाटर आया तब अपने लोन पेयर लेकर तो उसने इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में डाल दिए जिसकी वजह से हो गया, और वो डी ऑर्बिटल्स सी के पास नहीं थे. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस. अ बेटर रीजन इज मैं बताता हूं. देखो कई बार क्या होता है किसी के पास डी ऑर्बिटल नहीं भी होते हैं ना तब भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है. इधर पर हाइड्रोलिसिस होने का देयर इज अ रीजन. वो रीजन ये है. अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास डी ऑर्बिटल नहीं होंगे या किसी के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है फिर भी हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकता है? आपको एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ पता है? एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेकेंट. तो अगर किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं भी है तब भी हाइड्रोलिसिस कैन टेक प्लेस बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर इनटू द वेकेंट एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है फिर भी हार मत मानो. जो वाटर होता है ना वो ऐसा होता है कि यार पहले तो वेकेंट ऑर्बिटल ढूंढेगा, मिल गए वेल एंड गुड, नहीं मिले वो हार नहीं मानता. भाई मैं तो हाइड्रोलिसिस करके रहूंगा, मेरे को तो घुसना है बस, कहीं भी घुसना है, कोई भी वेकेंट जगह दिख जाए चाहे वो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल भी हो उसमें भी घुस जाता है. तो यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं थे फिर भी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो सकता था इसके, क्योंकि एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल थे. लेकिन एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट थे, वो भी वेकेंट एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होने के बावजूद हाइड्रोलिसिस डिड नॉट टेक प्लेस. क्यों? अब क्या है, ये वॉटर है, मान लो ये वॉटर है और एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पे है, कंपेरेबल एनर्जी है, एनर्जी गैप इज वेरी लेस, तो भाई हाइड्रोलिसिस हो सकता है अगर एनर्जी गैप सही तरीके से हो, ऐसा हो एनर्जी गैप इतना सा हो या थोड़ा सा ऐसा हो. लेकिन अगर ये हो एनर्जी गैप इतना हो, यहाँ पे अपने H2O मॉलिक्यूल है यहाँ पे और यहाँ पे उसके एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, हाइड्रोलिसिस विल नेवर टेक प्लेस. केस यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ पे जो CCl4 है ना यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो गैप है विथ H2O इज क्वाइट लार्ज, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाया. समझ में आ गया ना? तो ये समझ में आ गया. अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस कभी भी नहीं हो पाता. ये जो हम सारी बातें कर रहे थे ना ये रूम टेम्परेचर पे हो रही थी. अगर आपने ध्यान दिया ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पे था. अगर मैं CCl4 का हाइड्रोलिसिस करवाना चाहता हूं तो मैं करवा सकता हूं, रूम टेम्परेचर पे कभी नहीं करा सकता, लेकिन हाई टेम्परेचर पे तो करा ही सकता हूं. आइए देखते हैं हाई टेम्परेचर पे इसके साथ क्या होता है. तो ये समझो प्लस H2O रूम टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे यस सर बनता है क्या पता है COCl2. CaCl2 पता है क्या होता है? किसी का नाम याद है? NCERT में बड़े बड़े में दिया है CaCl2 का नाम, पॉइजन गैस, वेरी पॉइजनस गैस, ध्यान रखना इसे. कोई ऐसे बोले कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स? सोचो CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर बट इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एट हायर टेम्परेचर्स. यहां पे हो गया ना CoCl2 बन गया, पॉइजन गैस बनी गई आखिर. तो काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली हो सकता है. समझ में आया? यहां पे कंप्लीट होता है अपना हाइड्रोलिसिस.